हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म डेट इज अन अकेडमी। सो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। लेक्चर की पीडीएफ और लिंक आपको यहीं पे अवेलेबल होगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखेंगे बच्चों, आइकॉनिक एंड प्लस कोर्सेज आर अवेलेबल हियर। ठीक है, इन प्लस यू कैन गेट लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्स। ठीक है, बट इन आइकॉनिक आप प्लस के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, लाइक आपको पर्सनली गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस। ये कुछ बेनिफिट है जो कि आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। ठीक है, और ये प्लस के बेनिफिट के साथ में होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसके अलावा देखेंगे बच्चों, यू कैन सब्सक्राइब दिस कोर्सेज। आप अगर प्लस चाहें, आइकॉनिक चाहें, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी घर बैठ के आईएएस की तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास में। ठीक है, बिथान अकेडमी। तो आपको याद रखना है कि आपको इन कोर्सेज में सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड यूज करना है, दीपक1। जब मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, मैं आपका पर्सनल मेंटर रहूंगा, आपके आंसर राइटिंग का इवेल्यूएशन। ठीक है, और हर टाइम आपको गाइडेंस मेरी तरफ से मिलेगी। इसके अलावा देखेंगे बच्चों, चेज योर यूपीएससी ड्रीम, लोन फॉर यूपीएससी ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, अगर आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई 15,000 से ज़्यादा इनकम कर रहा हो या 15,000 की भी इनकम हो रही होगी, तो आपको इजीली 2 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा लोन का। ठीक है, और इससे आप आईएएस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे, 20 बुक्स भी आपको अन अकेडमी की तरफ से 10,000 वर्थ की अवेलेबल है। क्लियर है? इसके अलावा देखेंगे बच्चों, ऑप्शन को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है 1 मंथ, अगर आपको पूरा प्रिपेयर करना है 12 मंथ। ठीक है, ये दो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यूज दिस कोड दीपक1। ठीक है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा आंसर राइटिंग में गाइड करूंगा। इसके अलावा देखेंगे, विथ ऑप्शन में कोर्स लेने में आपको 25% का डिस्काउंट है। ठीक है, और मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद 10% का एक कंपाउंड एक डिस्काउंट है आपके लिए, 32% नियर अबाउट आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये बेनिफिट आपको अन अकेडमी की तरफ से मिल रहा है, जो कि 16 तारीख तक वैलिड है। ठीक है, इस बैच में भी आप 16 तक ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग अवेलेबल है। ठीक है, तो याद रखेंगे, और टॉप क्लास के मेंटर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। लिमिटेड सीट से ओनली 100, और लास्ट डेट है 16, तो उसके पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 ईयर और 2 ईयर बैचेस कल से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट। ठीक है, इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा देखेंगे, 13 जून सुबह 10 से 12। ठीक है, अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप एग्जाम है, तो प्लीज पार्टिसिपेट, और टॉप क्लास के मेंटर से आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट और स्कॉलरशिप अवेलेबल है। फ्री टेस्ट को भी हम अनलॉक कर सकते हैं, और एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM यू कैन पार्टिसिपेट इन अन अकेडमी कॉम्बैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक, द फिलोसफी। ठीक है, यस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं ओपन कर लूँ ताकि कोई इशू तो नहीं आ रहा है। ऑल क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? वॉइस क्लियर है? एक बार बता दें आप लोग मुझे। जी, ओके ओके, चलिए तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। वॉइस क्लियर है? तो सबसे पहले कि आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है यूपीएससी में, कि सर ये टॉपिक कहाँ रेलिवेंट है। ठीक है, तो आइए बता देते हैं, आर्ट एंड कल्चर में रेलिवेंट है। ठीक है, एथिक्स में रेलिवेंट है इसका, एसए पेपर में रेलिवेंट है। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल में रेलिवेंट है, फिलोसफी ऑप्शनल तो अपने आप में है ही, तो कहने का मतलब कि साइकोलॉजिकल ऑप्शनल, तो वो सब जगह पे इसकी रेलिवेंसी है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये टॉपिक इजीली अवेलेबल नहीं है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। क्यों? अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, ये टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन आपके आर्ट एंड कल्चर लेवल पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फिलोसफी सेक्शन। इस सेक्शन के बाद में आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो काफी इजी हो जाएगा। मे बी आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में कभी कभी जो पर्सनालिटी टेस्ट लेने वाला बंदा होता है, 4 लोग बैठे रहते हैं, 4 से 5 लोग, एक आदमी आपको ऑब्जर्व करता है। ठीक है,
बस वो ऑब्जर्व करता है आपकी फिलॉसफी को देखने के लिए। तो यहां से इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले कि जो आज मैं सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, इसका मैं इंट्रो आपको बता दूं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। 22 जून को इसका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं आज और आगे 9 क्लासेज और, टोटल 10 क्लास में ये सेगमेंट फिनिश कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको 9 फिलोसफी, ठीक है, और प्लस 1 इंट्रोडक्शन लेक्चर, टोटल 10 लेक्चर में 22 जून को ये मैं फिनिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल कहां तक चलेगा। तो फर्स्ट वी हैव वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द फिलोसफी, ठीक है। तो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, द वर्ड फिलोसफी इन्वॉल्व टू ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड फिलो, ठीक है, मीनिंग लव, एंड सोफिया मीन्स नॉलेज। इन शॉर्ट वी कैन से द लव फॉर योर नॉलेज, ठीक है, द लव फॉर योर विजडम इज कॉल्ड फिलोसफी। क्लियर है कहने का मतलब? अब थोड़ा सा बुरा मत मानेंगे तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा। एग्जाम्पल ये है माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको एक अंदर से आवाज तो आती होगी, ठीक है, कि भैया आपका पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बस इसी को कहते हैं लव ऑफ विजडम, ठीक है, योर लव फॉर योर नॉलेज। मतलब जब आप अपने ज्ञान में इतना खो जाते हैं, या आपके ज्ञान का, आपके नॉलेज का लेवल इतना उठ जाता है कि आपको फ्यूचर का एक विजन दिखने लगता है, उसी को हम कहते हैं फिलॉसफी। जैसे अगर आप दिन रात खूब पढ़ते हैं, अच्छे अप्रोच से पढ़ते हैं, अच्छे सोर्स के साथ पढ़ते हैं, अच्छा मेंटर आपको गाइड करता है, तो आपको एक विजन क्लियर हो जाता है, सर मेरा यूपीएससी इस बार निकल जाएगा, तुम्हारे अंदर से आवाज आती यार वी कैन डू इट। लेकिन यहीं पे कोई ऐसा पर्सन होता है जो जब आपको अप्रोच नहीं मालूम, आप पढ़े जा रहे हो, चीजें क्लियर नहीं हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कब क्या पढ़े, तो फिर आपको क्या लगता है यार यार मेरा क्या यूपीएससी निकलेगा। दैट इज योर लव ऑफ विजडम, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसे हम कहते हैं मीनिंग ऑफ द फिलोसफी। तो ये फिलोसफी का मीनिंग होता है, ठीक है, आप जरा समझेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर फिलॉसफी हमारे सब्जेक्ट में इंटर क्यों किया? तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको सोसाइटी में 10 के बीच में जाना है, और 10 के बीच में जाना है, कभी रायट्स हो गए, दंगे हो गए, कभी कहीं पे धर्म के नाम पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के नाम पे प्रॉब्लम है, जाति के नाम पे है, और इंडिया में तो बहुत बड़े लेवल पे, और खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो वहां पे आपको जाकर उस चीजों को मैनेज करना है, तो सबसे पहले आपको अपने रेशनल अप्रोच को फिक्स करना पड़ेगा। बोला जाता है कि मैन इज अ रेशनल एनिमल, ठीक है, जो एक इंसान होता है, जो ह्यूमन है, मैन है, वो एक रेशनल एनिमल है, और डिजायर ऑफ नॉलेज अराइज फ्रॉम दिस रेशनल नेचर ऑफ मैन। एक बच्चा छोटा होता तो अपने पेरेंट्स से पूछा ये नीला नीला क्या है, तो पेरेंट्स बोलते बेटा ये स्काई है, आसमान है, ठीक है, आकाश है, बोले ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, ये नीला ही क्यों होता है, तो फिर बताया लोगों ने कि वेवलेंथ होती है, स्कैटरिंग होती है, इसलिए नीला है, तो बोला ठीक है। फिर और बड़ा हुआ तो बोला आखिर ये होता क्यों है, बस यहीं पे हमारी थिंकिंग रुक जाती है। अब यहां से जो आगे आंसर देगा ना वो फिलॉसफी होता है, ठीक है। अब जो यहां से आगे आंसर देने की जो जो कोशिश कर पाएगा वो फिलॉसफी है। Are you getting the point? जैसे मान लीजिए कि आप इस संसार में हैं, आपने जन्म लिया। मैं बहुत डीप में जाके इस कॉन्सेप्ट को आज इंट्रोडक्शन में थोड़ा डीप जाऊंगा, बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपके आर्ट एंड कल्चर लेवल पे ही, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो डीप पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन आज मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा क्योंकि आज के बाद आपको ये इसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर केवल आपके टॉपिक को करने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर एक अच्छे इंसान बनाने की चाहत में शुरू किया गया है 10 दिन का लेक्चर। लोग पैसे देके जाते हैं, पर्सनालिटी और बहुत सारे चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, पे करके जाते हैं कि अच्छा ह्यूमन बनने के लिए, चीजों को समझने के लिए। यहाँ पे फ्री नॉलेज में आपका डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो बी सीरियस, ठीक है, बहुत सीरियस होके और देखेंगे तो पता चलेगा। तो जो ये रेशनल एनिमल मैन है ना,
इसकी जो डिजायर है ऑफ नॉलेज है, ठीक है, अगर इसके आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू लिव विदाउट अ फिलोसफी। इम्पॉसिबल है कि एक इंसान जीवित रह पाए। आप ही बताइए, आपका जन्म होता है, आपके माता पिता आपकी सेवा करते हैं, ये फिलोसफी है। आपके भाई बहन होते हैं, आप में प्यार होता है, ये फिलोसफी है। ये आखिर क्यों होता है, किसी ने बोला क्या? नहीं ना। आपस में प्रेम कहां से आया, ये फिलोसफी है। मैरिज होती है, किसी दूसरी फैमिली की लड़की आपके घर में आती है, आपके घर की लड़की किसी दूसरी फैमिली में जाती है, दो परिवारों के बीच में एक मेल आ जाता है, एक सोसाइटल रिलेशन डेवलप हो जाता है, ये फिलॉसफी। अब अगर एक इंसान है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि सूर्य उग क्यों रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ठीक है, उसे पता ही नहीं चल रहा ये इंसान कौन है। अब अगर क्लियर हो गया ये माता है ये पिता है तो जी लेगा, लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि ये कौन है और माता पिता को नहीं मालूम है ये कौन है, तो वह इंसान क्या जीवित रह पाएगा? समझ रहे हैं? तो बोला जाता है कि विदाउट फिलॉसफी इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, कि ह्यूमन बींग या मैन जो है वो जिंदा रह पाए। क्लियर है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां से फिलॉसफी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो फिलॉसफी का जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो उसको हमने तीन ब्रांच में डिवाइड किया, तीन ब्रांच में। एक ब्रांच इसका होता है एपिस्टेमोलॉजी, जिसे कहते हैं हम लोग ज्ञान मीमांसा। सुना होगा शायद आपने ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा मतलब फिलॉसफी इज अ सर्च ऑफ नॉलेज। इसने बोला कि फिलॉसफी क्या है, तो इसने बोला कि फिलॉसफी इज अ सर्च ऑफ नॉलेज, और ये नॉलेज काफी क्रिटिकल है, ये सर्च काफी क्रिटिकल है। बोले क्यों? बोले क्योंकि यहां पे बात की जाती है कि वैलिडिटी ऑफ नॉलेज क्या है। यहां पे बात की जाती है कि फिलोसोफर कहता है अबाउट द नेचर, अबाउट द नॉलेज ऑफ द लिमिटेशन। यहां पे फिलोसोफर के सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देखो आप लेक्चर में बने रहिएगा, आप अभी देख रहे हैं कि वेस्टर्न थॉट्स हमारे सिलेबस में भरा हुआ है। आप सोशियोलॉजी का पेपर उठा लीजिए, सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं वेस्टर्न थॉट्स। एथिक्स उठा लीजिए, वेस्टर्न थॉट्स से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन भाई सिंपल सी चीज है, आज मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में वेस्टर्न थॉट के मजे लेके जाऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा। और मैं आपको एक अपनी छोटी सी स्टोरी में, दो लाइन की स्टोरी में, मैं वेस्टर्न फिलॉसफी को नीचा कर दूंगा और इंडियन फिलॉसफी को उठाकर आसमान में बैठा दूंगा, बस एक छोटी सी स्टोरी से। और वहीं आपको पता चल जाएगा कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में कितना बड़ा अंतर है। क्लियर है? तो देखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले बोला कि अगर एक पर्सन है जो वो नॉलेज की बात करता है कि नेचर क्या है, सत्य क्या है, ठीक है, क्या ये जो मुझे नॉलेज है क्या इसकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है, नॉलेज की लिमिट क्या होती है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या होता है, किसको नॉलेज है, किसको सत्य का ज्ञान है, उसको कैसा ज्ञान है, जब हम इसे निकालते तो इसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। लाइक लेट मी गिव यू द एग्जांपल, गौतम बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा ने क्या कहा, जब समझिएगा मेरी बात को, गौतम बुद्धा ने क्या कहा कि मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है कि सत्य आखिर है क्या। उन्होंने बोला कि संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, और इस दुख का एक कारण है तृष्णा, डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर, और इस एक्सट्रीम डिजायर को खत्म किया जाता है उसके लिए एक मार्ग है, अष्टांगिका मार्ग, एट फोल्ड पाथ। तो गौतम बुद्ध का नॉलेज और गौतम बुद्ध ने जो आपको फिलॉसफी दी, जो आपको समझाया, उसी को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, मतलब उनका ज्ञान जो उन्होंने आपके सामने रखा, ये उनकी फिलॉसफी है जिसे हम बुद्धिज्म में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो उसे हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। फिर एक आता है मेटाफिजिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स कहता है बियॉन्ड द नेचर, बियॉन्ड द नेचर, ठीक है, नेचर मतलब मेटाफिजिक्स इज द मेन ब्रांच ऑफ फिलोसफी, इट इज द साइंस ऑफ रियलिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
मेटाफिजिक्स जो है वो फिलोसॉफी की मेन ब्रांच मानी जाती है, और यहां पे हम ये पता करते हैं कि आखिर रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। तो बहुत से मन में दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, रियलिटी क्या है, ठीक है, क्या संसार एक है या एक से ज्यादा है, वर्ल्ड वन और मेनी, व्हाट इज स्पेस, स्पेस क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएशन, ऐसा बनाया क्यों गया है, इज देयर अ गॉड, क्या ईश्वर होता है, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो बोला जाता है कि इन ब्रीफ मेटाफिजिक डिस्कस द थ्री एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, जगत, आत्मा और परमात्मा, मतलब वर्ल्ड, सेल्फ एंड गॉड। ये संसार क्या है, हम क्या हैं और परमात्मा कौन है, ठीक है। जब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो वहीं से आता है क्या, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी। क्लियर है? जी हाँ। और फिर यहीं से डेवलप होता है, इट स्कोप इंक्लूड ऑन्टोलॉजी, फिलोसफी, कॉस्मो, कॉस्मोगनी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, दैवीय शक्ति, एथिक्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट, विजन, ठीक है, ब्रह्मांड की रचना, ये सब मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर द लास्ट वन होती है एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है फिलोसफी में। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए बता देते हैं। एक वैगनर था ज्योग्राफी में, उसके भी थॉट थे, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रूफ जब निकाला गया तो वो फेल हो गया। उसने चीजों को जोड़ तो दिया था लेकिन प्रूफ करने में फेल हो गया, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसी तरीके से बोला जाता है कि अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फिलोसॉफिकली स्टडीज वैल्यूज, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री ब्रांच, ठीक है, समझना। जब हम फिलोसफी में वैल्यू को स्टडी करते हैं, क्या बच्चों यही हमारा फोर्थ पेपर है, एथिक्स, बताइए बताइए, क्या ये हमारा परफेक्ट, हमारा जीएस फोर्थ पेपर एथिक्स है? जब हम फिलोसफी में वैल्यू को स्टडी करते हैं तो वहां पे आती है एक्जियोलॉजी, मतलब सबसे पहले क्या हम ये डिस्कस करते हैं कि ये राइट है या राइट एंड गुड, मतलब हम क्राइटेरिया देखते हैं कि ये राइट है, क्या ये अच्छा है, क्या ये सत्य है, क्या ये अच्छा है, जब हम इस पे डिस्कशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्जियोलॉजी। किसी ने बोला कि परमात्मा आत्मा होता है, अब हम उस पर स्टडी करते हैं, क्या इट इज राइट, इज इट राइट, इज इट गुड, जब हम इसका पता करते हैं तो वहीं पे निकलता है एथिक्स, एक्जियोलॉजी। फिर हम बात करते हैं एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब इट डिस्कस द नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ द ड्यूटी, ये नेचर ऑफ क्राइटेरिया पे डिस्कशन करता है कि आखिर ये जो सत्य है इसका नेचर कैसा है, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये किस प्रकार का सत्य है। जैसे आपने जैन में, लेट मी गिव यू द एग्जांपल, जैन में अनेकांतवाद देखा होगा आपने, जो मैंने अभी पढ़ाया अभी तक कुछ दिन पहले। तो अनेकांतवाद में आंसर राइटिंग में मैंने कराया था, तो अनेकांतवाद में बोला गया कि सबके सत्य अलग अलग है, सत्य एक ही है लेकिन उसको जानने के रास्ते सबके अलग अलग है, इसे कहते हैं हम अनेकांतवाद, जहां पे सत्य के ही कई भाग हो गए, तो उसे हम कहते हैं एस्थेटिक, कि नेचर ऑफ क्राइटेरिया क्या होगा, ऑफ द ड्यूटी। फिर आ जाता है लॉजिक, लॉजिक क्या होगा, समझना। ये ऐसे फैक्ट है जो आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, इनको बस रट लेना, इनको समझने की जरूरत नहीं है, समझना क्या वो आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इट स्टडीज ट्रुथ, अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूं, ये ट्रुथ की बात करता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इंक्लूड्स, मतलब जहां पे लॉजिक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, द मेथड ऑफ द जजमेंट, टाइप ऑफ द प्रोपोजिशन, हाइपोथेसिस और डेफिनेशन। लॉजिक मतलब यस, कि भाई आप कैसे समझेंगे कि लॉजिक क्या है, मतलब ट्रुथ क्या है, आपको ट्रुथ को, सत्य को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपको लॉजिक की नीड होगी ना। अब उसमें आप कौन सा लॉजिक लगाते हैं, जजमेंट लगाते हैं, प्रोपोजिशंस की बात करते हैं, हाइपोथेसिस की बात करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, ये आपके ऊपर है।
इस तरीके से तीन ब्रांच से होकर निकलती है फिलोसफी और फिर आते हैं हम इंडिया में, ठीक है। अब अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें तो इंडिया में फिलोसफी का जो जन्म है, जो बर्थ है, वो वेदास से है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोला जाता है कि द ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलोसफी मे बी इजिली ट्रेस दिस वेदास। अगर आपको इंडियन फिलोसफी को समझना है तो आपको वेद, अच्छा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कैसे? मैं यहां से समझाना शुरू करूंगा, मेरे लेक्चर की जो स्टार्टिंग हो यहां से, ठीक है। अभी तो मैं बस बेसिक बेसिक आपको करा रहा था कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, अपने दिमाग में रखिएगा। आंसर राइटिंग में वो सब यूज होते हैं, लेकिन जो रियल कॉन्सेप्ट है वो यहां से डेवलप होगा। द वेदास आर द अर्लिएस्ट अवेलेबल रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन लिटरेचर, इवन वी कैन से सनातन, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि उपनिषद आर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन फिलोसफी, और उन्हें वेदास से उपनिषद आया और वही उपनिषद हमारी इंडियन फिलोसफी की फाउंडेशन है। इन उपनिषद वी विल टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल मोनिज्म, मिस्टिसिज्म, भक्ति, ठीक है, इनके बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन फिलोसफी का डेवलपमेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि वेद के साथ कैसे? सर प्लीज गिव मी द एग्जांपल, क्या आप ये तो बताइए कि वेद के साथ कैसे है? तो आइए देखते हैं वेद के साथ कैसे है। उसके लिए मैं आपको पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। जैसे आपने शायद थिस्ट अथिस्ट का नाम सुना होगा, नास्तिक आस्तिक, ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा थिस्ट, एक आपने नाम सुना होगा अथिस्ट, ठीक है। बच्चों याद रखेंगे, इसे लोग बोलते हैं आस्तिक, ठीक है, और इसे लोग बोलते हैं नास्तिक। तो आप यूपीएससी के स्टूडेंट तो आज से ये सोचना बंद कर दो, थिस्ट और अथिस्ट जो होते हैं, नास्तिक आस्तिक होते हैं, ठीक है, ये इनकी मीनिंग सही है, लेकिन याद रखेंगे वेदों में कुछ अलग मीनिंग है, ठीक है। वेद ने या फिर हमारी इंडियन फिलॉसफी इसकी मीनिंग को अलग देता है। हम ये जो पढ़ते हैं ना, ये वेस्टर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन हमारी इंडियन फिलॉसफी कुछ अलग बात करता है। इंडियन फिलॉसफी क्या कहता है? नास्तिको वेद निंद का, मतलब नास्तिक वो होता है जो वेद की निंदा करता है। मतलब हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें हमारे जो सेजेस हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे एंशियंट साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ फिलॉसफी को वेद में लिखा, समझाया। अब इंडिया में जो फर्दर इन फ्यूचर फिलॉसफी डेवलप हुई, जो वेदिक वेद के वेस्ट पे डेवलप हुई, उन्हें आस्तिक बोला गया और उनके लिए इंग्लिश में वर्ड लाया गया ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, बेस्ड ऑन वेदा, ठीक है। और जो वैदिक फिलॉसफी के अगेंस्ट थे उनको बोला गया हेट्रोडॉक्स, ठीक है, हेट्रोडॉक्स, ठीक है। मतलब हेट्रोडॉक्स मतलब क्या होगा, टेल मी, सॉरी, हेट्रोडॉक्स मतलब क्या होगा, सॉरी, जो अगेंस्ट द वेदास, अगेंस्ट द वेदा, ठीक है। तो यहीं पे एक वर्ड वेद में लिखा हुआ है, वैदिक वर्ड है, मेरा वर्ड नहीं है, वैदिक वर्ड है, उपनिषद का वर्ड, सॉरी, इसमें यह बोला जाता है कि नास्तिको वेद निंद का, जो व्यक्ति, जो पुरुष वेद की निंदा करता है, मतलब जो वैदिक थॉट को क्रिटिसाइज करता है, वो नास्तिक होता है। यहां पे ईश्वर की सत्ता के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है, यहां पे गॉड से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारे यहां पे आस्तिक और नास्तिक का यूज वेद को मानना और वेद को ना मानने पे है। जैसे जिन लोगों ने वेद को नहीं माना वो हेट्रोडॉक्स कहलाते हैं, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म और चार्वाक, ठीक है, जिनके थॉट डेवलप हुए वेद के ऊपर वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मींस सांख्य फिलॉसफी, मीमांसा फिलॉसफी, वैशेषिक फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी, योग फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी, ठीक है।
और वेदांत निकलकर अभी न्यू आ गया, न्यू वेदांत, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, 22 जून को जो लास्ट वेदांत पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर वेद में एक और बात लिखी हुई है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मतलब वेद में एक लाइन लिखी हुई है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है और बुद्धिमान लोग उसको अलग अलग रूप से निकालते हैं। क्या आपने देखा कि इंडियन फिलॉसफी में बुद्धिज्म की फिलॉसफी को क्यों एक्सेप्ट किया गया, बताइए? आखिर बुद्धिज्म तो अगेंस्ट वेदा है ना। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि जो चीज वेद के अगेंस्ट है, और वेद ही हमारा क्या है, फिलॉसफी का बेस है, वेद से बाहर तो फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, तो हम बुद्धिज्म जैनिज्म चार्वाक को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? तो जानते हो वहां पे एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वेद खुद कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक है और बुद्धिमान उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मतलब वेद कहता है कि व्यक्ति को छूट है, एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से उसको सत्य की खोज करनी होती है। जब उसे अपना सत्य मालूम चल जाता है वो लोगों को बताता है, और इस प्रकार से एक अलग फिलॉसफी की रचना होती है, एक फिलॉसफी का बर्थ होता है, और हमें उसकी फिलॉसफी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका सत्य भी सत्य है और हमारा सत्य भी सत्य है, ठीक है? तो सभी दर्शन आखिर में एक ही सत्य की बात करते हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं, बस यही फर्क होता है, जिस प्रकार से रिलीजन होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बस यहीं से आया, और यहीं से हमने बुद्धिज्म जैनिज्म और चार्वाक को भी फिलॉसफी का नाम दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मतलब एक सत्य जो है वो सबके अलग अलग रूप से हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर इंडियन फिलॉसफी जो है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, जो इंडियन फिलॉसफी है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये वेद से कैसे रिलेटेड है, तो आइए हम लोग देखते हैं। एक वैदिक शब्द है ऋतस्य यथा प्रेत, ऋतस्य यथा प्रेत, कि हर एक इंसान को ऋत के अनुसार जीवित रहना चाहिए, जीना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने साथ मेरा ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, मैंने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ाया था ऋत, ठीक है, ऋता, जिसे मैंने RTA भी बोला था, आर एस शर्मा में लिखा हुआ है, आर एस शर्मा में भी ये लिखा हुआ, मैंने आपको पढ़ाया था वरुण देवता के बारे में, कि उस समय वैदिक सोसाइटी में ना आर्मी थी ना बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी समाज में लोग कैसे रहते थे, इस रता की वजह से, रता ही रित है, ठीक है, इसे रित कहा जाता है। ये आखिर है क्या, आइए देखते हैं, ठीक है? हाँ, ये इथिक्स में भी तो यूज करेंगे बच्चों, वही तो मैंने बोला ये सब जगह यूज होगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है, समझिए। जैसे हमारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन क्या किया कि सूर्य हमेशा पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर जाता है, आकाश एक समय नीला दिखता है फिर एक समय उसमें अंधेरा हो जाता है, जब अंधेरा होता है बहुत सारे तारे दिखते हैं, एक जगह तारों का झुंड होता है वो हमेशा ऐसा ही होता है, तो उनको उन्होंने नाम दिया नक्षत्र, नक्षत्र मतलब जिसमें कभी बदलाव नहीं होता है, जो सत्य नहीं है, सत्य है उसमें बदलाव होगा, ये नक्षत्र है, नक्षत्र मतलब ना सत्य, इसमें कभी बदलाव नहीं होता है। तो आज आपको शायद मालूम होगा, लेकिन बहुत से लोगों को आज ही पता चला होगा नक्षत्र हम लोग क्यों बोलते हैं, एक तारों के ग्रुप को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कभी बदलाव नहीं होता है। हमारे ऋषि मुनि ने बहुत लंबे समय से उसको देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो फिर लोगों ने ये पाया कि यार कितनी रेगुलरिटी है, सूर्य कभी यार दक्षिण से नहीं निकलता, ठीक है, क्लियर है, सूर्य कभी दक्षिण से नहीं निकलता, वो हमेशा पूरब से निकलता है, पश्चिम को अस्त होता है। जब इन सब रेगुलरिटी को देखा तो हमारे ऋषि मुनि ने बोला कि काश ये रेगुलरिटी हमारे जीवन में आ जाए। क्यों? क्योंकि पहले मानव जीवन में रेगुलरिटी थी नहीं, जैसे तुम रात को जगो दिन में सो तो इंसान क्या बोलने लगता है, अरे यार ये निशाचर इंसान नहीं है। आपके माता पिता आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे शब्द दिए होंगे, जब आपको सामाजिक बनाया जाता है मार मार के, ठीक है, ना फिर आपके आगे तो अंधकार हो जाएगा, ठीक है, जीवन तो एक जानवर भी जीता है, आप भी जीते हो,
लेकिन आप जानवर से अलग क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए आपको पढ़ाया जाता है, आपको बनाया जाता है, वही रीता है। रीता मतलब रितस यथा प्रेत, मतलब जब हमारे वैदिक जो लोगों ने, ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, क्लियर है। जब हमारे जो वैदिक ऋषि मुनि ने कॉन्सेप्ट लेकर आए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लेकर आए, बोले रेगुलरिटी कितनी अच्छी है, बोले काश ये रेगुलरिटी हमारे जीवन में आ जाए, बोले हम लोग के समाज में आ जाए, सोसाइटी में आ जाए। तो उन्होंने समाज को भी रेगुलर बनाने के लिए, ठीक है, कुछ नियम कानून बनाए, समझना मेरी बात को, समाज में रेगुलरिटी लाने के लिए, लोगों के बीच में प्यार लाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए। तो जब यही नियम कानून आसमान से धरती पर आया, ठीक है, समझिएगा, लिंक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, जब यही रेगुलरिटी आसमान से धरती पर लाई गई तो इसको नाम दिया गया धर्म। मतलब माता पिता, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, समाज में भाईचारा, ब्रदरहुड, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए ये हमारी फिलॉसफी से डेवलप हुए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वेद को बोलते आप पौरुष से, मतलब उसको पुरुष ने नहीं लिखा है, वो तो रिकॉर्डिंग हुई, आकाशवाणी हुई, हमारे ऋषि मुनि ने उसको लिख दिया। बल्कि रियलिटी आज आपको पता चलेगा कि जब हमारे ऋषि मुनि ने रेगुलरिटी देखी समाज की तो उनको ये नहीं मालूम था ये कौन कर रहा है, लेकिन वो उसको ले आए, और जब उन्होंने समाज में इसको फैला दिया तो उसको नाम रख दिया धर्म का। अब इस पे आज के मॉडर्न थिंकर राधा कृष्ण क्या कहते हैं कि धर्म केवल वो नहीं है जो वेदों में लिखा है, आपका भी धर्म धर्म हो सकता है। जैसे लेट मी गिव यू द एग्जांपल, ठीक है, कोई आपको बोलता है कि रोड पे बाएं ओर चलो, हमारे यहां कानून है ना, हमारे यहां धर्म है ना। विदेशों में देखो, कुछ कंट्रीज में दाईं ओर चलते हैं, राइट साइड में, हमारे यहां पे है कि रोड के बाईं ओर चलो, ठीक है। अच्छा, ये हमारा धर्म बन गया क्योंकि ये हमने अपना लिया, अब हम बाईं ओर चल रहे हैं, बाईं ओर चल रहे हैं। लेकिन मान लो कि एक दिन हम दाईं ओर चलने लगे तो सीधा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, जीवन नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि समाज में लोगों को जीवन जीने के लिए कुछ धर्म बनाए गए। जैसे आप डरते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये एक धर्म है। अगर तुम चोरी करोगे कि तुम्हारे साथ भी वही होगा, ये मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर समझिएगा, यहां से वैदिक कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि रिता इज अ यूनिवर्सल ऑर्डर बोथ कॉस्मिक एंड मॉरल, रित स्टैंड फॉर द इनफेलिबल ऑर्डर फाउंड इन नेचुरल फिनोमिना। रित क्या है? इनफेलिबल ऑर्डर। सूर्य जब से सृष्टि का निर्माण हुआ पूरब से पश्चिम ही चलता है, उसको और कोई दिशा नहीं आती, इसे कहते हैं रेगुलरिटी, ठीक है। तो ऐसे ही मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए, उसी को हमने बोला रितस्य यथा प्रेत। एक इंसान को हमेशा रित के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, ठीक है। और जब आप इसमें खो जाते हो तो यही आपका बन जाता है धर्म, मतलब रिलीजन। लेकिन यहां पर रिलीजन वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, हाँ, यहां पे नाम रखेंगे धर्म, ठीक है। तो बाईं ओर चलना भी आपका धर्म है। धर्म मतलब ये नहीं कि जो वेद में लिखा है वो है, हम गलत समझ लेते हैं, हम धर्म मतलब समझ लेते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे भाई साहब मूर्ख हो आप। दैट इज द सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो आप उसमें लड़िए मत, आपका रूल्स होता है। मैं बोलता हूं कि यदि आप हिंदू मुस्लिम में बैर करते हैं तो आप उनपे भी बैर करो ना, कि आप रोड के बाईं ओर चल रहे हो, विदेश में दाईं ओर चल रहे हैं, तो आप लड़ जाओ, आप तलवार निकाल लो, काट दो कि तुम दाईं ओर क्यों चल रहा भाई, बाईं ओर चल रहे हम, तुम दाईं ओर क्यों चल, तुम यहां भी लड़ो ना। लेकिन यहां पे आपको पॉलिटिकल गेन नहीं है, आपको पॉलिटिकल गेन है हिंदू मुस्लिम पे, ठीक है। इसीलिए आपने वहां पे इनको फंसाने की कोशिश की और अलग अलग तरीके से मूवमेंट चेंज किए गए। सर यही आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी लिखा है और मैंने भी आपको पढ़ाया है कि कम्युनलिज्म की कोई मीनिंग नहीं होती है, ये पॉलिटिकल ड्राइवन होता है, ठीक है। राजनीति के कारण समाज में कम्युनलिज्म क्रिएट किया जाता है, ये कभी भी सेल्फ नहीं होता है।
अगर सेल्फ होता तो रोड में बाई ओर चलने वाले, दाई ओर चलने वाले आज मार काट कर रहे होते। ठीक है, लोग बोलते कि भाई इसको पटक के खोपचे में ले चलो, इसको दो हाथ मारे, तो ऐसा सही नहीं है ना। समझ रहे हैं मेरी कॉन्सेप्ट को? ठीक है, तो देखिए यहां पे इसी तरीके से रीता आया, जब रीता हमारे समाज में आया तो ये हमारा धर्म बनता है। ठीक है, द वैदिक आइडिया ऑफ द नेचर इज नॉट डिस्कंटिन्यूड विथ मैन सोशल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दस रित फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स आइडिया ऑफ द कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर, और इसी को हमने एक्सेप्ट किया एज अ धर्म, हमने इसको नाम दिया धर्म का। ठीक है, हमने इसको नाम क्या दिया? धर्म का। तब यहां से वेद में एक और शब्द आया उपनिषद में, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे आप रोड पे बाई ओर चलोगे तो आप 99% है कि आप पूरा जीवन अच्छे से जाएगा, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप धर्म के खिलाफ चलने लगे, आप रोड में दाई ओर चलने लगे, तो पहली गाड़ी से बच जाओगे, दूसरी से बच जाओगे, कभी ना कभी आपका एक्सीडेंट होगा, आपके जीवन का अंत होगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया, ये मैं आपको समझा रहा हूं मॉडर्न एग्जांपल से कि ताकि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये इतने अच्छे रिचुअल्स बनाए गए कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप समाज में रह पाओगे, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप समाज से बाहर चले जाओगे। यही तो इंडियन फिलॉसफी है, यही से तो इंडियन फिलॉसफी का डेवलपमेंट हुआ। जैसे एक व्यक्ति समाज में रहता है, वह किसी से घुलता मिलता नहीं है, बात नहीं करता है, तो क्या दूसरे उससे बात करेंगे? नहीं। एक व्यक्ति समाज में होता है, आपने देखा होगा लोग बोलते पैसा आ गया तो घमंड आ गया। अब पैसा आ गया तो घमंड आ गया, वो समाज से बाहर होने लगा तो एक दिन वो अकेला हो जाएगा। तो अगर आपने धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ता। ठीक है, ठीक है, अभ्युत्थानम। ठीक है, आप पूरा एक श्लोक अगर इसको देखे, ठीक है, तो आप सबसे पहला लाइन अगर देखे, ठीक है, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ता। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आता है कि धर्म कितना जरूरी है। आप भूल जाइए कि धर्म हिंदू का नहीं, ये सबका धर्म है। समाज में अच्छे से जीवन जीने के लिए आप जो फॉलो करते हो यही आपका धर्म है और यही आपको बचाएगा। जैसे एक डॉक्टर की बात लेते हैं, डॉक्टर अक्षता है क्लास में, ठीक है, डॉक्टर की बात लेते हैं। आप डॉक्टरों से कभी पूछिए, जब आपके आसपास में कोई गरीबी डॉक्टर हो तो आप उससे पूछिए कि यार इतनी डॉक्टर साहब बीमारी क्यों है, तो बोले मूर्ख है सब। 90% आदमी जो धर्म पे नहीं चलता है वही अस्पताल के रास्ते जाता है। आपके साथ अगर संसार में कुछ गलत हो रहा है तो आपने धर्म के खिलाफ कुछ किया है। यहां पे कभी धर्म को रिलीजन से मत जोड़िए, मतलब मैं कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर की बात कर रहा हूं। जो मॉरल ऑर्डर है आप उसके खिलाफ गए हैं। सुबह या तो आप अच्छे से उठते नहीं होंगे, आपको जितना भोजन जरूरत है उतना करिए, आप अपने शरीर का ख्याल रखिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर बोलते हैं कि 90% लोग जो हॉस्पिटल आते हैं वो अपनी गलती से आते हैं। कोविड में चुपचाप घर में बैठे रहो, क्यों होगा कोविड, लेकिन यू एक्ट लाइक द सिंघम, चले गए, अरे हमें कोविड से क्या होगा, बस कोविड ने पकड़ लिया, 10 लाख रुपए लग गए फिर भी नहीं बचे, सीधे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने धर्म रक्षते रक्षिता नहीं फॉलो किया। ठीक है, लोगों ने बोला कि मास्क लगाना चाहिए, ये आज की जरूरत है, आज आपका धर्म है, आप मास्क मत लगाइए, तुरंत आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, तुरंत आपकी धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो धर्म को आप इस तरीके से समझिए, दिस इज कॉल्ड इंडियन फिलोसफी। ठीक है, तो जब वैदिक रित जो है रता, जब वो हमारे कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर हमारी सोसाइटी में आए तो उनका नाम धर्म हुआ। ठीक है, और जब वो हमारे जीवन में आए तो उनका नाम कर्म हुआ। कर्म का नाम सुना आपने, कर्मा, अब ये भी सुनोगे ना, क्योंकि फिलोसफी में आगे इन्हीं की डिस्कशन है, फिर आपको ये देखना है कि कर्मा क्या है। ठीक है, तो आइए कर्मा देखते हैं। देखिए, इंडियन फिलोसफी से बढ़कर तो कोई फिलोसफी है ही नहीं। हेगल नाम का एक व्यक्ति है, इसलिए मैं फिलोसोफर से काफी ज्यादा मतलब घृणा करता हूं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बिना किसी तथ्य के आधार पर सही कैसे कह सकते हैं। हेगल नाम का एक फिलोसोफर है, वो कहता है कि इंडियन फिलोसफीज को पीछे छोड़ो, थॉट्स को, ये अभी जन्म ले रहे हैं,
उसको ये नहीं मालूम था कि इंडियन फिलोसफी उसका पिता है। कैसे पिता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ अभी मैं बताऊंगा आपको, क्लियर है कि कैसे पिता है, कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अभी भी हम उनसे श्रेष्ठ है। बस मैं लास्ट में अभी फिनिश ही होने वाला, फिर मैं वो बता के आपको जाऊंगा, ठीक है? तो देखिए अब मेरी बात को समझिएगा, इंडियन फिलोसफी का जो बेस है वो वेद है। वेद में क्या है? रीता है। रीता कहां से आया है? कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर है, ठीक है, इनफेलिबल ऑर्डर है, जो हमने जो अपनी सोसाइटी में लाया तो इसका नाम कह दिया धर्म। सोसाइटी में, समाज में लाया तो धर्म, और जब हम अपने अंदर लाते हैं तो ये हो जाता है कर्म। इसके लिए मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, जो जस करही सो तस फल चाखा, ठीक है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे एक चोर व्यक्ति होता है, वो गलत नहीं है, वो एक चोर व्यक्ति होता है, वो पूरे जीवन चोरी करता है, लेकिन उसके जीवन में कभी भी आराम नहीं मिलता है। जैसे वो दिन रात सो नहीं पाता है, कब पुलिस पकड़ ले, कब पकड़ा जाए। लेट मी गिव यू द एग्जांपल, आपने बचपन में अपने घर में ही चोरी की होगी, बिस्किट की चोरी की होगी, ठीक है, किसी का भाई बहन का पेन चोरी कर लिया होगा, आप हमेशा डर जाते हो। घर में जैसे ही मम्मी पापा ने तेजी से बोला इधर आओ, अब तुमको तुम्हारा दिमाग लग गया, अरे यार बिस्किट जो चोरी किया था पकड़ गए क्या? तुम आराम से रह नहीं पाओगे, शांति से रह नहीं पाओगे, और इसी तरीके से तुम एक दिन कष्ट में जीते जीते तुम्हारा अंत हो जाएगा, ठीक है, तुम इस संसारिक जो एक सुख है इसको कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोला गया कि कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इस इनफेलिबल ऑर्डर को अपने अंदर रखना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम संसार में अच्छे रहेंगे, हमारा डेवलपमेंट होगा। यहीं से देखिए बुद्धिज्म फिलोसफी आई है, लोग बोलते हैं लेकिन बुद्धिज्म फिलोसफी यहीं से आई है, ठीक है। बुद्धिज्म फिलोसफी, मैं तो अभी भी डरता हूं आप तो छोड़ो, आप तो बचपन में डरते होगे, मैं तो अपने फादर से अभी भी डरता हूं, ठीक है। जैसे कभी निकल गया धीरे से, अब डर लगता है कि इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं गाड़ी लेके कहीं गया था कोरोना में। जैसे वो कभी कभी बोलते इधर आओ तो मेरी हालत खराब हो जाती है कि इनको पता तो नहीं चलेगा कि मैं कार लेके कहीं गया था बाहर, ठीक है। तो ये मुझे लग जाता है कि तो मेरे अंदर तो आज भी डर है। इसीलिए देखिए जैन और बौद्ध ने कुछ ही बातें बोली है, सत्य अहिंसा, ठीक है, इसी पे ज्यादा फोकस किया है, झूठ ना बोलना, सादा जीवन, उच्च विचार, ये सब क्या है? ये सब आपके अच्छे कर्म है, ठीक है। अब अच्छा कर्म कैसे? जितना जरूरत हो उतना खाओ, ठीक है, जो सही समय है उस समय पे सारे कार्य करो, दूसरों की हेल्प करो तो वो तुम्हारी हेल्प करे जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी मन की शांति से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम बीमारियों से दूर रहोगे, ये वेद कहता है, और इसी पे इंडियन फिलोसफी का डेवलपमेंट हुआ है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यहीं पे इंडियन फिलोसफी का डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो याद रखेंगे रितस्य यथा प्रेत, मतलब एक इंसान को मॉरल इनफेलिबल ऑर्डर, जो कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर है उसी के हिसाब से जीना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर आप संसार में धर्म की रक्षा करोगे, मतलब कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर की, तो वो आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। आप किसी व्यक्ति की सेवा करोगे वह कल तुम्हारी सेवा होगी, और जब आप इसको अपने समाज अपने अंतर्मन में लाओगे तो इसे कहते हैं कर्मा, जो जस करही सो तस फल चाखा, तुम जैसा करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। झूठ बोल दो डरते रहोगे, अरे आज झूठ बोला कब पकड़े गए, कब पकड़े गए, पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा, तुम्हारा अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट होता है, यहीं से आता है आपका फिलोसफी का तीसरा फेज, और यहीं से हम ये फिलोसफी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता, ये जो फिलोसफी है ना, ये ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, ठीक है। और ये जो फिलोसफी है ये हेटरोडॉक्स फिलोसफी है, ठीक है। ये वेद को नहीं मानती है और ये वेद को मानती है। इसमें भी याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय, वैशेषिक और जो सांख है, ये तीन फिलोसफी ये जो है अथिस्ट फिलोसफी है। अथिस्ट मतलब रिजेक्शन ऑफ गॉड, रिजेक्शन ऑफ गॉड, ठीक है, ये गॉड को रिजेक्ट करती है। और वहीं पे योगा और मीमांसा और वेदांता, ठीक है, नो रिजेक्शन ऑफ गॉड, तो इन्हें कहते हैं हम थीस्ट फिलोसफी।
ठीक है, नो रिजेक्शन ऑफ गॉड, क्लियर है, नो रिजेक्शन ऑफ गॉड। अब आप लोग की आज्ञा हो तो थोड़ा सा वेस्टर्न फिलोसफर्स के मजे ले ले, ठीक है, ठीक है। हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल आयुष सिंह, बहुत अच्छा शब्द बोला आपने, वर्क अकॉर्डिंग टू नीड, डोंट क्रॉस योर नीड, ठीक है, तो ही आपका जीवन अच्छा जाएगा, यही इंडियन फिलोसफी है, और आपको मैं हर एक फिलोसफी में यही एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलिए वेस्टर्न फिलोसफर को, चलो मैं यही गौतम से ही आपको बता देता हूं, ठीक है, गौतम से एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे देता हूं। आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल, ठीक है, समझिए। देखिए बच्चों, यूपीएससी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा डिपेंड होता है, थ्योरेटिकल पे कम होता है, इसीलिए इसके क्वेश्चन डायनेमिक होते हैं, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा तो आपके विजन क्लियर होंगे। जब तक आप दार्शनिक नहीं बनोगे तब तक किस प्रकार की यूपीएससी, क्योंकि इंटरव्यू में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो उस प्रश्न का आंसर कैसे दिया जाए आज आपको मालूम चल गया होगा। अब समझिए, अब देखिए, अब जैसे आपको एथिक्स में केस स्टडी आएगा, केस स्टडी में क्या बोलता है कि आप एक जगह के डीएम हैं, आप जिस जाति से हैं उस जाति के लोग वहां ज्यादा हैं, उन जाति पे अत्याचार हो रहा है, वो लोग आपके पास शिकायत लेके आ गए, तो क्या आप भावुक हो जाएंगे, क्या क्या करेंगे? तो जानते हो आप एक जरूरत क्या है क्या करने की, दो चीज, एक चीज तुम्हारे खुद के कर्म क्या है, तुम डीएम हो, तो डीएम हो तो तुम्हारे कर्म डीएम वाले हो गए, तो अब तुम्हारी सोच डीएम से बाहर नहीं जानी चाहिए। आज मैं आपको सिंगल एग्जांपल देता हूं एथिक्स सॉल्व करने का, अब तुम कभी भी पर्सनल मत होना, तुम डीएम से बाहर नहीं जा सकते, फिर तुम समाज में जाओगे, समाज में धर्म देखोगे, धर्म क्या कहता है कि हर एक मनुष्य बराबर है, फिर आप उसको देखते हुए कानून के दायरे में आप जो भी डिसीजन लोगे ये तुम्हारी परफेक्ट केस स्टडी होगी, इससे अच्छी केस स्टडी कोई नहीं हो सकती है, ठीक है, यस क्लियर है। हाँ, आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, तो लेट मी गिव यू द एग्जांपल अबाउट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बोला तो समझिएगा, समझिए, मैं सबसे पहले ये बताता हूं, सबसे पहले ये बताता हूं कि इंडियन फिलोसफी की आलोचना क्यों होती है, व्हाई इंडियन फिलोसफी क्रिटिसाइज, ठीक है, क्लियर है, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, इंडियन फिलोसफी को वेस्टर्न फिलोसफर जानते हैं कि इस पर क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि इंडियन फिलोसफी में बिलीफ सिस्टम ज्यादा है, ठीक है, इंडियन फिलोसफी में बिलीफ सिस्टम ज्यादा है, बिलीफ मतलब वो लोग विश्वास पे जीते हैं, ठीक है, उनका रियलिटी से कोई वास्तविकता नहीं है। तो आइए देखते हैं, एरिस्टोटल जानते हो क्या बात करता है, एरिस्टोटल कहता है कि जहां धुआं है, मतलब जहां आग है वहां धुआं होगा, जहां पे फायर है, ठीक है, वहीं पे आप देखोगे तो आपको धुआं दिखेगा, स्मॉग वगैरह दिखेगा, ठीक है, अच्छा गैसेस दिखेंगी आपको, क्लियर है, तो जहां फायर है, जहां आग है वहीं धुआं है। और उसके बाद फिर वो अगले स्टेप में कहता है कि जहां धुआं है तो जरूर उसको प्रूफ करने के लिए अगले स्टेप में आग होगी। तो ये तीन स्टेप देता है, तीन स्टेप की बात करता है, ठीक है, समझेंगे। हाँ, तीन स्टेप कौन सी देता है मैं आपको बता दूं, यहां पे देखिए, सबसे पहले वो बताता है पहला स्टेप कि भाई साहब जहां धुआं है, ठीक है, वहां आग होगा, ठीक है, तो सबसे पहले उसने धुआं की बात कर ली और आग की बात कर ली, ठीक है। दूसरे स्टेप में उसने क्या बोला, अगर कहीं धुआं है, ठीक है, धुआं है तो वहां आग होगी, और थर्ड स्टेप में ये बोला कि आग जरूर होगी। इसने तीन स्टेप आपको दिए, ठीक है, ये एरिस्टोटल के थॉट है, ठीक है, चलिए ठीक है। याज्ञवल्क्य का नाम सुना होगा आपने, याज्ञवल्क्य के शिष्य थे गौतम, ठीक है, तो गौतम ने फिलोसफी दी थी न्याय फिलोसफी, गौतम, ठीक है, तो जब गौतम न्याय फिलोसफी में अपने स्टूडेंट्स को ये तीन चीजें समझा रहे थे कि जहां धुआं है वहां आग होगी, और ठीक है, मतलब सॉरी, जहां आग है वहां धुआं होगा, ठीक है, जहां आग है ये पहले पर रखेंगे, वहां धुआं होगा, और फिर अगर कहीं धुआं तुमको दिख रहा है तो वह बिल्कुल पक्का है कि वहां आग होगा। बोले ठीक है, बोले बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गौतम ये तीनों स्टेप अपने स्टूडेंट को समझा रहे थे, ठीक है, ऋषि गौतम
अपने स्टूडेंट को बस ये तीन स्टेप समझा रहे थे, तभी इनकी पत्नी एक गोल से बर्तन में आग से धुआं भर लाई और धुआं भर के उसको कवर करके लेके आई और जहां पे सिखा रहे थे वहीं पे देव पटक मारा। जैसे उन्होंने बर्तन मिट्टी का था पटका, बर्तन टूट गया, धुआं धुआं निकला। तो उनकी पत्नी ने बोला कि मुझे यह समझ में नहीं आया कि यहां आग तो है नहीं, तो यहां धुआं कैसे है, यहां आग तो है नहीं तो यहां धुआं कैसे है। अब गौतम घूम गए, उन्होंने बोला यार मुझसे बड़ी फिलोसफर तो मेरी पत्नी है। तो गौतम ऋषि ने यहां पे चेंज किया, उन्होंने बोला कि जहां आग है ठीक है वहां धुआं होगा, बिल्कुल करेक्ट है, और जहां धुआं है वहां पे संभावना है, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी है कि वहां पे फायर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फायर है। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफर्स मानते हैं कि जहां धुआं वहां आग जरूर होगी, और इंडियन फिलोसफी कहती है कि जहां पे धुआं है वहां पे आग की फिलोसफी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इंडियन फिलोसफी विलिप सिस्टम पे चलती है। अब बताइए कौन सही है, वो वेस्टर्न सही है कि हम इंडियन सही है, बताइए। और अगर हम गलत होते तो आज क्यों सब मर रहे हैं, क्यों पूरा आयुर्वेदा का ट्रांसलेशन कर दिया गया आपके जर्मनी में, क्यों बहुत तेजी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है हमारी थॉट्स को, हमारे डेवलपमेंट का, ठीक है, दैट इज द डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन फिलोसफी आज भी बहुत बड़े लेवल पे। मैं थिंकर्स पढ़ाता तो हूं, लेकिन मैं पढ़ाता बहुत ज्यादा नहीं हूं, क्योंकि मैं इस फिलोसफी की बात से उनकी झूठी झूठी बातें मैं कैसे आपसे बात करूं। एरिस्टोटल खुद ही अपने कॉन्सेप्ट में अधूरा है, ठीक है, एरिस्टोटल तो अपने कॉन्सेप्ट में अधूरा है भाई, जहां धुआं वहां आग हो ही नहीं सकता, गौतम ऋषि की पत्नी ने बता दिया वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए हम बिलीफ सिस्टम पे जीते हैं कि ये संसार है, ये संसार में ये हम है और ये हम है, ये प्रकृति है, और क्या पता ईश्वर हो सकता है, और इसीलिए उस विश्वास पे हम जीवित हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ये भी हो सकता है कि ईश्वर हो सकता है, और इसीलिए टोटल इंडियन फिलोसफी यहीं से डेवलप होगी, क्लियर है, हाँ, और यही से डेवलपमेंट आगे जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, क्लियर है, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म फिलोसफी, विच फिलोसफी, बुद्धिज्म फिलोसफी, ठीक है, हाँ। तो ये मेरा कोड रहा, दीपक वन, गेट सब्सक्राइब टू प्रिपेयर अंडर माय गाइडेंस, और दिस वन माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है, यहाँ पे आपको लेक्चर के पीडीएफ अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स यही मिलेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से कल।